Hello everyone, welcome to all in the series of real analysis. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा पढ़ा था फंक्शन के बारे में, तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा फंक्शंस के बारे में कुछ और नई डेफिनेशंस बताऊंगी एंड कुछ इम्पोर्टेंट जो ग्राफ यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो यूज होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, इन सबको डिफाइन करें। ठीक है, सो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन जो है वो मैंने सेकेंड लेक्चर में भी लिखाई थी, एंड इक्वेलिटी ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, डोमेन क्या होता है, ये सब मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ एक बारी। लेट ए बी टू सबसेट्स ऑफ आर ठीक है, सो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय is a rule which assign every element of A to a unique element of B. And A is defined as domain of F and B is called codomain of F. And FA is defined as range of F where FA equals to FX belongs to B such that X belongs to A. Fine. अब देखिए कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखाई हुई हैं सेकेंड लेक्चर में, तो वहां से एक बार देख लेना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ वेल डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन मैं ले रही हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। एक बुक है प्ले विद ग्राफ, प्ले विद ग्राफ अरिहंत पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे फंक्शंस उसमें डिफाइन किए हुए हैं, उनके ग्राफ बताए हुए हैं, सो इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, सो आइडेंटिटी फंक्शन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। सो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, जीरो पर जीरो देगा ये एंड वन पर वन, टू पर टू, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी एंड ये जो एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ये क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, हम एफ एक्स को वाई लिखते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स,
ये फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। और फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स स्क्वायर एम। हियर एन बिलोंग्स टू एन एंड ए नॉट ए वन एन बिलोंग्स टू आर। देन एफ इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा कुछ इसका ग्राफ, ठीक है। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हम बना, पॉलिनोमियल फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मॉडुलस फंक्शन। ये जो मैं फंक्शन बता रही हूँ, इनका इनको बताने का मीनिंग ये है क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं। आपने देखा होगा सीरीज में लॉग लॉगरिथम फंक्शन यूज हुआ, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह यूज होते हैं। तो इनको बताने का मीनिंग ये है कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए, इनके ग्राफ पता चल जाए कैसे होते हैं ये, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझिएगा एंड खुद स्केच करके देखिएगा इनके ग्राफ कि कैसे बनते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन टू आर, और हाँ इनके डोमेन क्या है, इनकी कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब भी देखिएगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स जीरो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। तो ये किस टाइप से होगा देखिए, देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन ये सिमिलर है आइडेंटिटी फंक्शन की जैसे, ठीक है। एंड वेन एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, देन ये इस टाइप से बनेगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जैसे ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, वैसे ही ये वाली लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है। और देखिए इसकी जो डोमेन है वो क्या है, आर कोडोमेन, आर एंड रेंज क्या है इसकी, आर पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, यूनियन जीरो, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो टू इनफिनिटी, ठीक है। तो इसकी रेंज है, ठीक कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस फंक्शन की।
ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज आइदर स्मॉलर देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। फॉर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है ये प्रॉपर्टीज। थर्ड लिखिए, एक्स प्लस माइनस फाइव इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू प्लस मॉडुलस ऑफ वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्स प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये मेनली हमारा जब हम इंटीग्रल करते हैं तब इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये काफी, इंटीजर फंक्शन। एफ सच दैट आर टू आर डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल्स टू एन फॉर ऑल एन स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन एन प्लस वन। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे, इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू एक्स, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, देखिए कोई हमारा एक्स है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड स्मॉलर देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा उसका, 0, बिकॉज उस सबसे छोटा एंड उसके सबसे पास कौन सा इंटीजर है, 0। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्मॉलर देन 2, क्योंकि एक्स अगर 1 और 2 के बीच में होगा देन उसके सबसे पास और छोटा जो उससे इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, ऐसे ही हम देखते जाएंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से डिफाइन कर देते हैं पहले। जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन 1, 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्मॉलर देन 2 एंड सो ऑन, माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 स्मॉलर देन 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू है, 0। ठीक है, यहाँ ओपन कर देता है, इसका मतलब 1 पे ये वैल्यू नहीं है इसकी, एंड 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, ऐसे ही 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में 3। ठीक है, ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो इस डोमेन होगा वो क्या होगा, आर कोडोमेन
एंड रेंज क्या होगी इसकी? देखिए ध्यान से, रेंज सिर्फ जो इंटीजर्स है वो आ रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो रेंज क्या होगी इसकी? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, 2.45, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2, बिकॉज 2.45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 3, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हम कोडोमेन 0 to 1 क्लोज इंटरवल कर देते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे 1.23 है, ठीक है, देन इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा? 1.23 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.23 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.23 क्या होगा? 1। तो क्या हो जाएगा ये? 0.23। सो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा इसका? 0.23। ठीक है, ठीक है। सो अब देखिए, कोई भी इंटीजर होगा जैसे 1, 2, 3, 0, -1, इन पर क्या होगा ये फ्रैक्शन पार्ट इनका? 0, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर इनका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इनका क्या है? वही सेम वैल्यू होगी। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा एंड 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, देन 1 -1 = 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक तो ग्राफ इनका इस टाइप से बनेगा कुछ, और 1 पर ओपन रहेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा इसका एंड इसकी डोमेन क्या है? आर को डोमेन 0, 1। यहाँ हम आर भी लिख सकते हैं कोडोमेन इसकी, वो हमारे ऊपर डिपेंड है हम कोडोमेन लेते क्या है या हमें क्या फंक्शन गिवन है। हमें फंक्शन अगर ये इस टाइप से दिया होता है कि आर, देन कोडोमेन आर होगी एंड इफ 0 to 1 देन कोडोमेन 0 to 1 होगी एंड रेंज क्या होगी इसकी? ठीक है, 0 पर क्लोज होगा एंड 1 पर ओपन, सो क्लो ओपन इंटरवल और क्लो क्लोज इंटरवल। ठीक है, हाफ ओपन इंटरवल कह सकते हैं, हाफ क्लोज इंटरवल कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन। f from R to R and fx is defined as least integer function को हम ऐसे denote करते हैं and it is the integral part of x which is nearest and greatest integer 2x। ठीक है,
ये किस तरीके से डिफाइन होगा? जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, -1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -2 स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ठीक है, एंड 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू -1, सॉरी 1। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन होगा। जैसे कोई नंबर है हमारा 1.23, देन इसका जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा? 2, क्योंकि हमें कहा है कि उससे बड़ा होना चाहिए एंड उसके सबसे पास होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट इंटीजर फंक्शन 2। फाइन, तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा देखिए। 0 1, तो 0 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1। एंड 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पर ओपन आ जाएगा। ऐसे ही 1/1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है उन पर क्या होगी वैल्यू? 2। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा उसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ दो तरीके से बनेगा, पहला व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 एंड दूसरा व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। ठीक है, सो किस टाइप से बनेगा? जब ए ग्रेटर देन 1 होगा देन ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एंड जब ये ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1 होगा देन ऐसे बनेगा। और जो ये वैल्यू है जहाँ ये एक्स वाई एक्सेस को कट कर रहा है ये 1 है। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन आर है, कोडोमेन आर है एंड जो रेंज है वो क्या हो गई? आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट लिखिए लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसकी डोमेन जो होगी वो आर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव रियल नंबर या 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। टू आर, ठीक है, और ये डिफाइन कैसे होगा? एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये भी दो तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। फर्स्ट है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 1 एंड व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो ये
इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1, देन इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, और जहां ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वो होगी, वो जो पॉइंट होगा वो होगा 1 0। ठीक है, ऐसे ही जो ए ग्रेटर देन 0 होगा देन इसका जो ग्राफ होगा वो बनेगा इस टाइप से। ठीक है, एंड जो ये पॉइंट होगा ये होगा 1 0, जो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा 1 0 पे। ठीक है, तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो क्या होगी, पूरा रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, डोमेन इसका आर पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन कोडोमेन इसके आर है एंड रेंज भी इसकी आर हो जाएगी। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आप, काफी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हमारा अभी तक भी बहुत यूज हुआ है ये एंड आगे भी बहुत यूज होगा, जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, रीमन इंटीग्रल पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा यूज होती है, हमने देखा हमारी सीरीज में बहुत ज्यादा यूज हुई इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, एंड आगे भी जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो यूज होंगी। और जो ये फंक्शंस हैं ये हर जगह ही यूज होते हैं, मैथ्स में कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे, रियल पढ़ोगे, रियल में तो हर जगह ही यूज होंगे, एंड इंटीग्रल पढ़ोगे वहां भी यूज होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वहां ये यूज होंगे, पीडी पढ़ोगे देन यूज होंगे, से हर जगह यूज होंगे मैथ्स में। लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर है ए बी एंड सी, हम उनपे ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। और जो ये है जहां मैंने ई लिखा है ये इसको बेस बोलते हैं इस फंक्शन का। ठीक है, हमने जब अभी फंक्शन डिफाइन किया था जो ग्राफ बनाए थे वो ऐसे किए थे, ठीक है, ये इसका बेस था। ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 2 होती है, स्मॉलर देन 3 होती है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो वाला था व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, लॉग बेस ई एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, एम लॉग ए। नेक्स्ट देखिए, बेस ए है, ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक, लॉग ए एंड बेस ए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 1। फिफ्थ लॉग पी एम, बेस जो है वो है बी रेज टू द पावर एम लॉग ए, 1 अपॉन m लॉग बेस बी ए। ठीक है, व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू 1 एंड m बिलोंग्स टू r। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखिए, लॉग ए बेस बी लॉग एम, इससे पहले एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं, लॉग ए बेस बी क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। ठीक है, When a b should not equals to 1। Next property लिखिए, log
बेस एम लॉग पी बेस एम प्योर ए बी नॉट इक्वल टू 1 एंड एम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए की पावर लॉग बेस ए एम इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये ए और जो बेस है वो सेम होनी चाहिए। देन एम इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। लॉग बी सी बी इक्वल्स टू बी लॉग बेस सी ए वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। जो इसका ग्राफ है वो कैसे बनेगा, 0 पे 0 वैल्यू होगी एंड ग्रेटर देन 0 पे 1 वैल्यू होगी यहाँ पर ओपन एंड स्मॉलर देन 0 पे -1। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? साइन फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 और 1 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, साइन एक्स एक्स चाहे कुछ भी हो, साइन एक्स की वैल्यू जो होगी -1 और 1 के बीच ही होगी। ठीक है, सो इसकी रेंज क्या हो गई, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और ये किस टाइप से बनेगा ग्राफ, देखिए π/2 π/3π/2 -π/2 -π/1 एंड -1। ऐसे ही ग्राफ बने हैं। ठीक है, ये 11th में अच्छे से पढ़े हुए हैं बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ ये सारे, जिससे आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगी सब। ठीक है, सेकंड है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन ही -1 और क्लोज इंटरवल -1 to 1 इसकी रेंज होती है एंड इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा साइन फंक्शन से। जीरो पर ये फंक्शन 1 देता है वैल्यू, फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो है टेंजेंट फंक्शन।
है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, टेन एक्स को कैसे लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सो 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0, एंड 5/2 पे 1/0, यानी इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा। सो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, 5/2 पे इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे ही -5/2 पे माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पाई पे 0 हो जाएगा, एंड 3π/2 पे इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा, एंड पाई बाय टू पे ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बनता चला जाएगा। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे आर लिखा है, इसकी डोमेन ही आर नहीं होगी, क्या होगी? देखिए, एक्स एक इन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। 5/2, -5/2, 3π/2, इन वैल्यूज पर और भी बहुत सारी वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जिस सेट, जो वो कौन सा सेट होगा जिस सेट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, देखिए 2n+1, 5/2, वेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सेट पर जो वैल्यूज हैं ये एक्स की, वो सॉरी टेन एक्स की, वो डिफाइन नहीं है। तो जो इसका डोमेन है वो आर में से इस सेट को माइनस कर देंगे, लेट ए। तो फंक्शन होगा a to R, एंड इसकी रेंज क्या होगी, वाई की हर एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर हम यही इसका डोमेन ले लें, -5/2 to 5/2, देन इसी के बीच में ये वाई की हर एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो रेंज क्या होगी इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोसेकेंट फंक्शन। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, -1, -2, -3। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। ठीक है, तो साइन एक्स कहाँ 0 है, एन पाई पर। ठीक है, तो ये वो सेट होगा जहां पर कॉसेक फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस दिस सेट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब देखिए साइन फंक्शन कैसे बन रहा था, ऐसे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5/2, 5, 3π/2, 2π, -5/2, 5, -3π/2, -2π। और यहाँ पर जहाँ पर इस वैल्यू 1 है, ठीक है, ये साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो जो कॉसेक एक्स है वो कैसे बनेगा, देखिए 0 पर कॉसेक की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो ये इस टाइप से होगा। 5/2 पे वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, एंड पाई पे अगेन ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये इस टाइप से बनेगा ये फंक्शन। ठीक है, सो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखिए इसकी हर एक वैल्यू आ रही है
सिर्फ ये बीच वाला पार्ट छोड़ के, -1 से लेके 1 तक, सो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। और हम लिख सकते हैं -∞ to 1 यूनियन, सॉरी -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। ये फंक्शन हो गया कॉसेक फंक्शन। देन हम नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं, सेकेंड फंक्शन। सेक एक्स, सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है? सेक एक्स इक्वल्स टू 1 upon cos x। तो ये फंक्शन किस पर डिफाइन नहीं होगा? जहां पर कॉस एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर आती है? 2n+1, 5/2, n बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। तो जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा? आर माइनस दिस सेट। हियर कॉस एक्स, वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ये 1 है, ठीक है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ये 5/2 पे क्या जा रहा है? ऐसे, ठीक है। ओके, सो इसकी जो डोमेन है वो तो ये होगी, रेंज क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही, जो वो है -1 से लेके 1 तक। तो जो रेंज हो जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी? आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, -1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, कोटेंजेंट फंक्शन। कॉट बोलते हैं इसको। तो कॉट एक्स कैसे डिफाइन होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सो ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा? जहां पर साइन एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी। एंड साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर आती है? एन पाई, एन बिलोंग्स टू, तो इसकी जो रेंज है वो, सॉरी डोमेन है वो क्या हो जाएगी? आर माइनस दिस सेट, ठीक है। देन इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 5/2, पाई, 3/5/2, 2 पाई, -5, -3/5/2, -2 पाई। देखिए ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। सॉरी, ये जो इसके ग्राफ है वो यहाँ पर क्लियरली बन नहीं पा रहे हैं। सो मैं जो इसके जो ग्राफ है, इन सब के जो फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं इस पूरे लेक्चर में और जो अभी करने वाली हूँ, उन सब के मैं ग्राफ और उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सब, ठीक है। अब देखिए इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज पूरा आर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें
वाई की हर एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। पहला है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखिए जो इनवर्स के लिए जो ये फंक्शन है ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो इट शुड बी बाइजेक्टिव, ठीक है। सो हम डोमेन में हमें चेंज करना पड़ेगा, सो बाइजेक्टिव डिफाइन, बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, जो डोमेन होगी एफ की वो हम ले लेंगे -π/2 से लेके π/2 एंड कोडोमेन -1 to 1, ठीक है। देन हम एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे -1 to 1 से -π/2 π/2, ठीक है। सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ क्या बनेगा इसका, -1 1 π/2 -π/2, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स हम डिफाइन कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसे हो जाएगा, ये हम डिफाइन करेंगे 0 से लेके 5 तक, यानी कि जो इसकी डोमेन होगी वो तो होगी -1 to 1 एंड जो कोडोमेन होगी वो माइनस सॉरी 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स π/2 -π/2, सो एफ इनवर्स डिफाइन होगा फ्रॉम R2 -π/2 टू π/2। आर इसका डोमेन है एंड -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल इसकी रेंज और कोडोमेन है, ठीक है। तो इस टाइप से होगा -π/2 पे, इस टाइप से होगा एंड ऐसे, ठीक है। देन एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, देन टेन इनवर्स एक्स टेंस टू π/2, ऐसे ही एक्स टेंस टू -इन्फिनिटिव, देन टेन इनवर्स एक्स टेंस टू -π/2, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है हमारा कॉट इनवर्स एक्स, ये डिफाइन होगा फ्रॉम R2 -π/2 टू π/2। ये भी सेम ऐसे ही होगा, व्हेन बस ये थोड़ा सा चेंज है टेन इनवर्स एक्स से। व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, देन कॉट इनवर्स एक्स टेंड टू π/2 एंड व्हेन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, देन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव, देन कॉट इनवर्स एक्स टेंस टू π/2 एंड देन एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, देन कॉट इनवर्स एक्स टेंड टू -π/2, ठीक। नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स, सो इसकी डोमेन क्या होगी, आर माइनस -1 to 1 एंड रेंज क्या होगी, जीरो टू पाई -π/2, π/2 पर। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखिए
डोमेन इसकी पूरा आर है माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल को छोड़ के। सो माइनस वन और रेंज क्या है इसकी, पाई जीरो टू पाई। सो देखिए माइनस वन पर ये पाई होगा। सेकेंड वर्सेस माइनस वन पर ये पाई होगा। एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी देन सेक इनवर्स एक्स टेंड टू पाई बाय टू। ठीक है, एंड ये वन पे सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो होगी। एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी देन सेक इनवर्स एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू। ठीक है, ऐसे लास्ट ग्राफ रह गया हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। तो जो इसका डोमेन है वो क्या होगा, आर माइनस माइनस वन टू वन। एंड रेंज क्या होगी इसकी, माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू जीरो। ठीक है, माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू। अब देखिए माइनस वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव बाई टू। एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी देन कॉसेक इनवर्स एक्स टेंड्स टू जीरो। एंड वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइव बाई टू। एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी देन कॉसेक इनवर्स एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे जो मैंने डिफाइन कर दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इवन एंड ऑड फंक्शन, एंड कुछ इनके एग्जांपल्स देखेंगे, एंड मोनोटॉनिक फंक्शन। ठीक है, सो थैंक यू।